ये स्थिति बड़ी ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वस्तुतः नियुक्ति के स्थानांतरण के निश्चित मानदंड होते हैं, उसमें नैतिकता के आधार पर वरिष्ठता क्रम को मानदंडों में निर्धारित किया गया है और मानदंडों और लीक से हटकर जो अधिकारी अपने नाना प्रकार के हथकंडों के आधार पर प्रसन्न करने की मुद्रा में ला देता है प्रशासन के लोगों को या गवर्नमेंट के लोगों को, और उसी पद पर प्रतिष्ठित होकर भ्रष्टाचार को पुष्पित और पल्लवित करने की चेष्टा करता है, यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए और संघीय ढांचे के लिए धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए घातक है। नीति, नियत और ईमानदारी का दावा करने वाली योगी सरकार में भी लोक निर्माण विभाग के अंदर अंधेर गर्दी जारी है। दरअसल पिछली सरकार में एक जूनियर अफसर को पीडब्ल्यूडी का मुखिया बना दिया गया था। पीडब्ल्यूडी के मुखिया इंजीनियर वीके सिंह अपने विभाग में दूसरे नंबर के वरिष्ठ अभियंता हैं। इसी विभाग में उनसे कहीं अधिक सीनियर वरिष्ठतम पद पर इंजीनियर एके शर्मा तैनात हैं, जिन्हें नियम कानूनों के विपरीत जूनियर पद पर रखा गया है, और इंजीनियर वीके सिंह जो कि उनसे कनिष्ठ हैं, उनसे जूनियर हैं, उन्हें सीनियर पद पर रखा गया है। इंजीनियर वीके सिंह को पीडब्ल्यूडी का एचओडी अभी भी बनाए रखा गया है, जबकि प्रदेश में ईमानदारी और नीति नियत का दावा करने वाली सरकार को 1.5 साल का कार्यकाल बीत रहा है। ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया बदले जा चुके हैं, लेकिन इंजीनियर वीके सिंह इतने प्रभावशाली हैं कि जूनियर होते हुए भी उन्हें हिलाने का साहस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं कर पा रही है। लखनऊ से ईटीवी न्यूज़ के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।